आप लोग समझ गए कि लिस्ट बिल्डिंग का जरूरत क्या है, लिस्ट बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में जो हम लोग काम कर रहे हैं या जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिस्ट। आज हम और कुछ नए चीज़ों के बारे में सीखेंगे और कुछ नए सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो वो सब्जेक्ट क्या है हम लोग जानेंगे, एलॉयज के बारे में। आज हम लोग कौन सा एलॉयज में बिलोंग्स कर रहे हैं, हम लोग का एंटर लाइन ऑफ स्पॉन्सर कौन है, किसके नीचे हम लोग है, सीनियर का क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे इनकम करते हैं, और कौन फुल टाइमर है, कौन सा क्वालिफिकेशन को लेके आज इतने सारे लोग फुल टाइमर बने, इन सब के बारे में हम जरूर जानकारी लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे इन्विटेशन के ऊपर में कि अल्टीमेटली मार्केट में काम करना है तो सीखना है इन्विटेशन, कैसे बात करना है लोगों से, लोगों को कैसे इन्वाइट करना है। क्योंकि एक स्वाभाविक सा बात है, एक साधारण सा बात है कि हम लोग जब मार्केट में हम लोग का घर में जब कोई पूजा होता है, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोग घर में किसी को इनवाइट करते हैं, तो इट्स नेचुरल बात है कि आप मेरे घर में आइए। लेकिन आज यहाँ पे भी जब हम लोग इन्विटेशन का बात सुनते हैं, किसी को बुलाना पड़ेगा, तो हम उसी तरीके से लोगों को बुलाने का कोशिश करते हैं, उसी तरीके को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जिसके वजह से देखा जाता है क्या कि बुलाते तो है लेकिन लोग आते नहीं है, बुलाते तो है लेकिन लोग आते नहीं है, बुलाते बुलाते हम थक जाते हैं लेकिन लोगों का चेहरा नहीं दिखते। तो आज हम लोग इन सब के ऊपर में बातचीत करेंगे। तो जो बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमने क्लियर किया गया लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर में, दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग एक रॉ मटेरियल का भंडार है। लिस्ट बिल्डिंग को अगर हम लोग बोलेंगे तो एक रॉ मटेरियल, कैसे है? क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस एक सिंपल चीज है कि आप सीखो और बिजनेस में ग्रो करो, सिंपल बात है, आप सीखो और बिजनेस में ग्रो करो। क्योंकि नॉर्मली हम लोग हो सकता है कि आपका फैमिली में कोई बिजनेसमैन है, आपका पिताजी बिजनेसमैन है, नहीं तो आपका दादा, आपका भैया बिजनेस करते हैं, या आप कोई जॉब फैमिली से, जॉब होल्डर फैमिली से बिलोंग्स करते हो, तो स्वाभाविक सा बात है कि आपको इन सब का तजुर्बा नहीं है। स्मार्ट वैल्यू का प्लान देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा जिसके लिए आपने ज्वाइन कर गए, लेकिन अभी इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन सारे तजुर्बे को छोड़ के आपको इस सिस्टम का नॉलेज को लेके काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आज नॉर्मली एक दुकानदार जब दुकान चलाता है तो उनका क्या क्या रहता है, दुकान में सामान लाके रखता है, ये सुन अभी उसमें साबुन, शैम्पू, तेल, लोशन, चावल, दाल, सब जो नॉर्मली ग्रोसरी के दुकान में जैसे होता है, मसाले वगैरह, कोई कपड़े का दुकान है तो उनके दुकान में जेंट्स आइटम, लेडीज आइटम ऐसा रहता है, ये सब। कोई वेजिटेबल्स का दुकान है, सब्जी का दुकान है, तो उसमें गोभी, टमाटर, प्याज, लहसुन, आलू और भी बहुत सारा चीज रहते हैं, अलग 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 चीज। लेकिन उन दुकानों में क्या होता है, बेचा जाता है, ये सब दुकानों में सामान को बेचा जाता है। कोई कपड़ों का दुकान में कपड़ा बेचता है, कोई सोना बेचता है, तो कोई सब्जी बेचता है, तो कोई मिर्ची बेचता है, कोई तो कोई धनिया बेचता है, बेचते। अभी ये स्वाभाविक सा बात है कि ये बेचने का जो प्रोसेस है, चावल सबको चाहिए, मसाले चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, ये वगैरह शैम्पू वगैरह चाहिए, तो लोग आके खरीद के लेके जाते हैं, और ऊपर से इसका एक एड बना के टीवी में दिखाया जाता है ना? Yes. उसका एक एड बना के टीवी में दिखाया जाता है कि लक्स प्रियंका चोपड़ा का सुंदरता का राज है, लक्स और ट्रक के साथ अपना बालों को बांध देती है और ट्रक को खींच के ले जाते, गार्नियर जरों को इतना मजबूत कर देता है। हम बोलेगा हम अगर ऐसे करने जाएगा हमारा अपर पोर्शन खोल के ट्रक के साथ चला जाएगा, ये सब। तो ये एड लोग टीवी में दे देता है। अब ये पीछे सोच के देख लो, प्रियंका चोपड़ा क्यों बोलेगी लास्ट मेरा सुंदरता का राज है, उसको क्या आता है, क्या जाता है? यस, उसको इसके लिए लक्स कंपनी उसको 10 करोड़ रुपए देगी, जिसके लिए बोल दिया साइनिंग, साइनिंग अमाउंट कितना, 10 करोड़ या 20 करोड़ साइनिंग अमाउंट। लेकिन वही लक्स जब एक दुकानदार बेचता है तो दुकानदार को कितने रुपये प्रॉफिट होता है? एक साधारण सा बात, अगर 10 रुपए का लास्ट में दुकानदार को 1 रुपए या 2 रुपए प्रॉफिट होता होगा, ये सुनना। Yes. इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि होता होगा।
और अगर मैं एक चीज डाब शैम्पू, डाब का जो साबुन है 40 रुपए ना 50 रुपए का डाब का साबुन है, मैं दुकानदार को पूछा था भैया आपका कितना रुपया प्रॉफिट होता है, तो दुकानदार मुझे बोला था सिर्फ 3 या 4 रुपए प्रॉफिट होता है। तो आप एक चीज सोच के देख लो, मैक्सिमम उस जो साबुन का मैक्सिमम खर्चा कौन लेके चला गया? प्रियंका चोपड़ा। यस ऑर नो? मैक्सिमम कौन लेके चला गया? एडवर्टाइजमेंट का जो एड देता है वो वाला सलमान खान लेके चला गया थम्स अप का मैक्सिमम पैसा। यस ऑर नो? आमिर खान लेके चला जाता है पेप्सी का मैक्सिमम पैसा। वीगो, वीगो का जो एड देता है आमिर खान, वीगो का देता है ना एड? यस यस। अभी क्या लगता है आमिर खान उसके लिए वीगो से साइनिंग अमाउंट नहीं लेगा? फोकट में कर देगा एड? नहीं, साइनिंग अमाउंट लेता है। तो उसका कॉस्टिंग भी कौन लेके जा रहा है? वो तो स्वाभाविक सा बात है, दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसी मार्जिन के ऊपर वो चल रहा है। लेकिन हम लोग बिना एड का एक साबुन बेचते हैं एलोवेरा सोप, बिना एड का, सिंपल बात। एक एलोवेरा सोप में कितना रुपए प्रॉफिट आता है? 16 रुपए। तो कंपनी वाले क्या बोला, ये एड में जितना खर्चा होता है, हम लोग भी एलोवेरा साबुन का एड हम ऐश्वर्या राय से करा सकते हैं, और भाई हमारा साबुन क्वालिटी सोप, सिंपल बात है, जो इस्तेमाल किया उनको पता है। आज इस घर में बैठे हुए 80% लोगों को पता है, कि जो नए लोग हैं उन लोगों को पता नहीं क्योंकि उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, और एकदम नए लोगों आने के बाद तो एलोवेरा का दर्शन भी अब तक नहीं हुआ। एकदम नए लोग जो एडमिशन ले उनका एलोवेरा का दर्शन भी नहीं हुआ। बहुत दिन से ये हिमालय के ऊपर में साधना में लीन है एलोवेरा साबुन, जो भी हो आ जाएंगे फिर अभी उतर रहे हिमालय से। चलो फिर जिंदगी में होना चाहिए मजा। तो अभी आज अगर हम लोगों का सोप का क्वालिटी अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो लोग इस्तेमाल किया आज यहाँ पे, कौन कौन लोग एलोवेरा सोप इस्तेमाल किया अपना घरों में? अरे बात है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा। किनके किनके घर में झगड़ा होना शुरू हो गया एलोवेरा को लेके, या कस्टमर आके डिस्टर्ब देना शुरू कर दिया एलोवेरा को लेके? आपके घर में आते क्या बोलते आपके लोग? अच्छा 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 कहती आनी दी बात। हाँ, आपके घर में आके क्या पूछता है? सर उनका भाई अच्छा भाई जिंग कर रहे हैं साबुन नहीं है बोलते। चंदा को क्या बोला था? अच्छा घर में झेंग चलता है। चलो बहुत अच्छा, तो ये झेंग चलना चाहिए। अभी एलोवेरा आएगा, हम तो सोच रहे हैं भाई एलोवेरा सीढ़ी के ऊपर उठने के पहले नीचे से लूट हो जाएगा क्या? आ जाएंगे, बहुत ही जल्दी आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी इसका कारण है। जब कोई प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे लॉकडाउन के शुरुआत में, तो मेरे घर में मैं सैनिटाइजर बहुत पहले से इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ तो मेरे बैग में हमेशा सैनिटाइजर रहता है। अभी भी देखना, 2 डब्बा लाइफबॉय का सैनिटाइजर का डब्बा मेरे बैग में, अभी एक मेरे बैग में, एक भाभी के बैग में। तो मैं सैनिटाइजर बहुत पहले से इस्तेमाल करता था, लेकिन नॉर्मली आज हम लोगों का समाज के लोग क्या सैनिटाइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे? नहीं, जाते भी नहीं थे, बहुत सारे लोग सैनिटाइजर क्या होता है। तो मैंने लॉकडाउन का शुरुआत में मैंने जीजाजी को कॉल किया कि इधर में तो सैनिटाइजर का बहुत क्राइसिस हो गया था, सैनिटाइजर कहीं पे नहीं मिल रहा था, कि नहीं? Yes. तो मेरे जीजाजी का कॉस्मेटिक्स का दुकान है त्रिपुरा में, तो मैंने जीजाजी को कॉल किया। जीजाजी बोला मेरा करीब 1 कार्टन सैनिटाइजर एक्सपायर हो गया था डेट, वो भी मेरा सेल हो गया लॉकडाउन का शुरुआत में, एक्सपायर सैनिटाइजर। कस्टमर आके पूछते सैनिटाइजर है? मैं बोला है। बोले दीजिए। बोले एक्सपायर है, डेट चला गया। बोले दीजिए, कोई बात नहीं है। तो एक्सपायर सैनिटाइजर भी सेल हो गया, लेकिन दुकानों में सैनिटाइजर पहले ऐसे ही पड़ा रहता था, कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आज लॉकडाउन में इतना सेल कर गया सैनिटाइजर का, तो स्वाभाविक सा बात है पूरा मार्केट में सैनिटाइजर गायब, ऐसा हो गया कि ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है कि नहीं। कहीं पे सैनिटाइजर को छोड़ दो, मैं हैंड वॉश के लिए पूरा शांतिपुरा का ये जितना फार्मेसी दुकान है सब दुकान में छान मार के मुझे हैंड वॉश नहीं मिला, हैंड वॉश नहीं मिला। सैनिटाइजर तो छोड़ दो, जो भी मेरे घर में पहले से था मुझे मेरा चल गया था, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है मार्केट में। तो एक चीज का जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका क्राइसिस लग जाता है। यस और नो? यस। एलोवेरा साबुन का डिमांड इतना बढ़ गया कि नॉर्मली लोग नॉनी सेल नहीं कर पा रहे, आमला जो सेल नहीं कर पा रहे, लॉकडाउन में लोग काम नहीं है, पैसा नहीं है, सेल नहीं कर पा रहे, तो क्या सेल करे? चलो भाई साबुन तो लगाएगा शरीर में, तो किसी का, चलो भाई साबुन बेचो। तो मैं मेरा शॉपिंग का बात अगर करता हूँ तो मैं 5 सेट या 6 सेट ही एलोवेरा साबुन लाता था बिफोर लॉकडाउन, वो जनवरी फरवरी मार्च के बाद बोल रहा हूँ, या उसके पहले 5 to 6 सेट एलोवेरा साबुन मैं स्टॉक रखता था मैक्स टू मैक्स।
उसके बाद सर सेल इतना बढ़ गया, मैं लास्ट जब बिल किया तो 80 सेट एक साथ में उठाया था, 80 सेट एक साथ में उठाया, और एक हफ्ते में पूरा 80 सेट गायब। मैं जब मोरल में प्रोडक्ट जाता था, मोरल में एक एसोसिएट है हम लोग का सुमी भट्टाचार्य, उनका मम्मी और उनका टीम, उधर में मैं एलोवेरा सेट मुझे भेजना पड़ता था, 24 सेट 30 सेट एलोवेरा सब मुझे उधर में भेजना पड़ा। तो अभी क्या है, साबुन तो बनाया जाता है ना, तो कंपनी का एक हिसाब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना कार्टून बना लिया, इतना हजार कार्टून बना लिया, तो इससे 2 महीना 3 महीना आराम से चलेगा, है ना। एक हिसाब होता है, कंपनी का हिसाब के बाहर में इसका सेल हो गया, तो कंपनी भी उसका प्रोडक्शन में लगा है। अभी प्रोडक्शन हो गया, वेयर हाउस हम लोग का सेंट्रल वेयर हाउस में आ चुका है, अभी सेंट्रल वेयर हाउस हम लोग का घाटी वेयर हाउस, देन डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी तो क्या बोलते हैं ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है डिमांड। आज हम लोगों का प्रोडक्ट, बहुत सारे कंपनी आते हैं, बहुत सारे कंपनी को मैंने देखा है, बट स्मार्ट वेयर जो प्रोडक्ट्स को लेकर काम कर रहे, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी, कंपनी कभी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कभी भी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो जिसके लिए आज वही चीज है कि मैं जिसमें था रॉ मटेरियल, कि आज पहले हम लोगों को अपना रॉ मटेरियल के बारे में पहले हम लोगों को सही तरीके से काम करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिजनेस फैमिली से कोई भी बिलोंग्स नहीं करते, या करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस। तो ये जो नेटवर्क बिजनेस है, ये नेटवर्क बिजनेस आपके लिए एक नया प्रोसेस है, नेटवर्क बिजनेस आपके लिए नया है। देखो बहुत सारे लोग 2 महीना एडमिशन लेते हैं, 3 महीना एडमिशन लेते हैं, 4 महीना एडमिशन लेने का हुआ, लेकिन वो लोग आके एक बात हमको बोलते हैं कि भैया मेरा काम ना नहीं हो रहा है, भैया मैं ना नहीं कर पा रहा हूँ सर, हमसे ना नहीं हो पा रहा है, ऐसे आके हम लोगों को बोलते हैं। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूँ कि भाई साहब, आप पिछला आपका उम्र अगर अभी 18 साल, मिनिमम इस सिस्टम में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी 18 ईयर्स एज होना पड़ेगा, 18 सालों में आपने नेटवर्क के ऊपर में कभी पढ़ाई नहीं किया और आप एक नए प्रोफेशन में आए हो, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका 3 महीने में बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। वो जो पेशेंस, कल एक बहुत अच्छा बात राजीव दा बोला था कि आज बिलीव, हम लोग बिलीव सिस्टम के ऊपर में बिलीव क्यों करें, माने बिलीव का बात हम क्यों करें, हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा हर एक सेशन में हर एक लोगों का अटेंड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लोगों ने आंखों के सामने में देखा है कि मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती और बाकी हम लोगों का जितना एलओएस है, मैं इसके लिए आज एलओएस के बारे में बातचीत करूंगा, तो आप लोगों को बहुत नए लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तो आज बहुत सारे लोग, ये लोग स्मार्ट वेयर को पिछला 20 साल से काम कर रहे हैं, पिछला 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे नेटवर्कर लोगों को देखा, अपना कोई जॉब करता है साथ में नेटवर्क करता है, कोई दूसरा काम करता है साथ में नेटवर्क करता है, बट स्मार्ट वेयर इज द फर्स्ट नेटवर्किंग कंपनी मैंने देखा है। स्मार्ट वेलो में फुल टाइमर नेटवर्कर बनते हैं, और स्मार्ट वेलो सिखाता है कि एक बंदा कैसे फुल टाइमर नेटवर्क बन सकता है। उस दिन मोरान से एक लेडी मुझे एक सवाल किया था, सवाल ऐसा था कि स्मार्ट वेलो करके क्या, स्मार्ट वेलो में करूंगा करूंगी बात सही है, लेकिन मेरा घर का खर्चा तो मुझे उठाना पड़ेगा ना, जिसके लिए मुझे घर के सामने एक तो दुकान देना पड़ा, वो दुकान दिया है घर के सामने, एक तो ग्रोसरी शॉप का दुकान शुरू करने जा रहे हैं, मतलब प्लान कर रही है कि मैं शुरू करूंगी, वो हाउस वाइफ। तो उन्होंने, मैंने उनको पूछा कि आप दुकान क्यों शुरू कर रहे हैं, आपका तो बहुत अच्छा खासा टीम बन रहा है। नहीं, बोले घर का खर्चा उठाना पड़ेगा ना, मेरा घर का खर्चा महीने में 20 से 25 हज़ार रुपया स्मार्ट वेलो करके वो थोड़ी हो जाएगा। तो फटाफट मैंने अपना फ़ोन पे निकाला, मीन्स मोबाइल निकाला, फ़ोन पे ऐप खोला। देखिए आजी जी, आप ये सॉरी भाभी देख लीजिए कि महीने के 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक मैं सिर्फ रूम रेंट कितना रुपए देता हूँ, साथ साथ में खोल के दिखाए, ऑलमोस्ट 14,000 रूम रेंट, सॉरी रूम रेंट था ऑलमोस्ट 11,000, और एक्स्ट्रा करके जो ईएमआई वगैरह सेविंग्स वगैरह इन सब का खर्चा मैंने टोटल उनको दिखाया था 24,000 रुपीज। तो देख लीजिए, मैं ये ट्रांसफर करता हूँ, जो मेरा अकाउंट से जो मैं ट्रांसफर करता हूँ, मैं कोई रूम रेंट ट्रांसफर करता हूँ तो उसमें लिखा रहता है रूम रेंट में किस लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ, या कुछ भी मैं ट्रांसफर करता हूँ, देख लीजिए कितना रुपये खर्चा एक महीने का 1 तारीख से लेके मेरा 12 तारीख तक का खर्चा, देख लीजिए
उसके बाद तो मेरा खाना पीने का खर्चा तो मैं फोन पे इस्तेमाल नहीं करता हूँ ना, सब्जी मार्केट में जाकर फोन पे दूंगा, फोन पे वो टीवी में ऐड अच्छा लगता है, मछली खरीदा बोले फोन पे, भैया आपका फोन पे है, बोले ये क्या है, ये क्या है, अच्छा लोग अच्छा तो जो भी है, तो जिसके उसके बाद तो ये सारा खर्चा है, उसके बाद तो बाइक का पेट्रोल का खर्चा है, उसके बाद तो पॉकेट मनी अलग अलग इधर उधर का खर्चा है। तो देखिए हम स्मार्ट में लोगों को करियर के हिसाब से एक्सेप्ट किया बोल के आज इस इंडस्ट्री से इतना कमा रहा हूँ कि ये सारा चीज मैं सुंदर तरीके से और बहुत बारीकी से मेंटेन कर पा रहा हूँ। उसके बाद लेडी का चेहरा का जो रंग था वो मुझे देखने लायक था, सच्ची में ऐसा होता है, बोले देखिए मैंने इस इंडस्ट्री को अपना दिल दिया है जिसके लिए इंडस्ट्री मुझे रिटर्न दे रहा है, आप आधा देंगे तो आधा रिटर्न मिलेगा, ये सुन। अभी एक माने ये है कॉमर्स का, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, खाली लाए भरे लेकिन अच्छा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अभी इस बोतल में मैं जितना पानी भरूंगा उतना ही पानी इस बोतल से निकलेगा, ये सुनो। अभी इस बोतल में 1 लीटर पानी भरा गया, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि इस बोतल से 3 लीटर पानी निकलेगा? वो मैजिक है, मैजिशियन दिखा सकता है, मैं नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते। आप जितना इनपुट देंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ये सुनो। आप जितना समय स्पेंड करेंगे, जितना करने का कोशिश करेंगे, जितना काम करने का कोशिश करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। कल राजीव सर एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, और एक बहुत अच्छा बात बोल रहे थे कि हम लोगों ने जिंदगी में कुछ दूसरा ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं। अभी मैं उस दिन फेसबुक में एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था, एक खरगोश और इसका लोमड़ी का छोटा सा वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने शेयर किया था। खरगोश भाग रहा है, लोमड़ी पीछे पीछे भाग रहा है, दो लोमड़ी उसके पीछे भाग रहा है। मेरा उस पोस्ट को फिर से शेयर कर रहा हूं, मैं भूल गया, जो भी देखा आप लोगों ने yes. वो बोल रहे, एक खरगोश भाग रहा है, लोमड़ी उसके पीछे पीछे भाग रहा है, क्यों? लोमड़ी खरगोश को खाना है। अभी दो दो लोमड़ी एक जगह में मिल जाता है तो खरगोश अपना दिमाग लगा के अपना ट्रैक चेंज करके फिर पीछे से जाता है, फिर वो लोग घूमता है तो फिर जाता है। एंड ऑफ द डे देखा गया, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप माने कभी हाल ना छोड़ने का जो सोच, क्या हुआ? खरगोश बच गया, लोमड़ी थक गया। मेरा फेसबुक वॉल में आज भी है वो वीडियो, मेरा शेयर किया था, आप लोग जाके भी देख सकते हैं। वो जो जिंदगी में हम लोगों का सोच है नेवर गिव अप, कभी ना छोड़ेंगे। आज अगर एक शेर और एक हिरन दौड़ता है, हिरन दौड़ता है अपना जिंदगी बचाने के लिए और शेर दौड़ता है अपना पेट भरने के लिए, यस और नो? यस। हिरन कौन सा मकसद से दौड़ता है? मेरा जिंदगी बचाना है, जिंदगी एक ही बार है, ना मिलेगी दोबारा, यस और नो? यस। आज अगर किसी भी तरीके से मैं ढीला दे दूंगा, मैं स्लो पड़ जाऊंगा, तो मैं शेर का बलि का बकरा बन जाऊंगा, शेर का बलि बन जाऊंगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शेर क्या सोचता है? दौड़ता हूं दौड़ता हूं कोशिश करता हूं, ना मिले तो कोई दूसरा, आए तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट, यस और नो? यस। है कि नहीं है? yes. जिसके लिए शेर का भूख कम है लेकिन हिरन का भूख ज्यादा है, जिसके लिए बहुत जगह में हम लोग देखते हैं हिरन इतना तेजी से दौड़ता है क्यों बच जाता है, यस और नो? yes. शेर ने देखा कि अगर इससे मेरा भूख नहीं मिटा पाया तो किसी दूसरे से मिटाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग उस भूखे शेर की तरह, भूख तो है, दौड़ते तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते, कल थोड़ा काम कर लेंगे, है ना? जिंदगी आगे इतना लंबी जिंदगी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि दुनिया आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। देखोगे आपका नीचे का लड़का ज्वाइन करने के बाद बहुत आगे निकल गया, आपका नीचे का लड़की बहुत आगे निकल गया, लेकिन आप पीछे में रह गए। वो जो विश्वास इस इंडस्ट्री के साथ, ये जो विश्वास हम लोगों को इस इंडस्ट्री के साथ कि नहीं चलो, लोग क्या करते कि नहीं एटलीस्ट एक साइड कुछ करके रखते हैं। कल राजीव घोष सर का बातों से एक बहुत अच्छे माने सोच आया सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो बात सही बोला कि पार्थो चक्रवर्ती एट द एज ऑफ 61
एट द एज ऑफ 61 उन्होंने जो गाड़ी खरीदा रेंज रोवर जिसका प्राइस है 96 लाख रुपीस, माने 1 करोड़। आज एक इंसान जिंदगी में इतना बिलीव है स्मार्ट वैल्यू के ऊपर में कि स्मार्ट वैल्यू से हम लोग जिंदगी में और आगे बढ़ते रहेंगे कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए का गाड़ी खरीदा रेंज रोवर। लेकिन इसी जगह में अगर कोई और होता वो सोचते कि मैं ये 1 करोड़ रुपए को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दूं। अरे भाई 61 उम्र में ऊपर में जाने का उम्र है, राम नाम लेने का, ऊपर वाले का मालिक अल्लाह गॉड भगवान जीसस जो भी हो उनका नाम लेने का, गीता पाठ करने का, रामायण पाठ करने का उम्र है। अभी 1 करोड़ रुपए का रेंज रोवर लेके घूमने का उम्र नहीं है। लेकिन 1 करोड़ रुपए अगर वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालते, अगर बैंक में वो MIS में डालते तो 6% उसका इंटरेस्ट है। 1 करोड़ रुपए का 6% इंटरेस्ट कितना होगा? 6 लाख रुपए सालाना एक्स्ट्रा इनकम। 6 लाख अगर सालाना एक्स्ट्रा इनकम तो महीने का कितना इनकम? 50,000 एक्स्ट्रा महीने का इनकम आ जाता है। 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आ जाता महीने का एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज। आज के दिनों में जो एक इंसान 50,000 का नौकरी के लिए भागता है उस इंसान को 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिलता महीने का 50,000 रुपए। ये सुन लो। Yes. लेकिन उस बंदे ने ये नहीं सोचा, उस इंसान ने वो नहीं सोचा, उस इंसान ने सोचा कि मैं आज अगर 1 करोड़ का रेंज रोवर खरीदूंगा तो मेरा नीचे वाला लड़का लोगों का माइंडसेट होगा कि उनको भी 1 करोड़ का रेंज रोवर खरीदना है। ये सुन लो। Yes. जिसके लिए वो खर्चा के ये आयर उसके पीछे खर्चा ना करके रेंज रोवर क्या गाड़ी का कीमत तो दिन ब दिन घटता है। आज अगर मैं बाइक खरीदा, अगर 1,22,000 रुपए से मैंने बाइक खरीदा, लेकिन वही बाइक को अगर 1 साल के बाद कोई सेल करने जाएगा तो उसका प्राइस 1,22,000 1,40,000 नहीं मिलेगा। उसका प्राइस कितना हो जाएगा? कोई बोलेगा 50,000 दे देगा भैया, कोई बोलेगा 60,000 दे देगा। साला कमीना 1,22,000 से खरीद के 60,000 से बेच देगा। लेकिन सोच के देखो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सारे चीजों का प्राइस घटता है दिन ब दिन। वो अगर 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लेते, उनके बेटे के लिए वही 1 करोड़ का फ्लैट आज से 10 साल के बाद उसका वैल्यू कम से कम 8-10 करोड़ हो जाता या 5 करोड़ तो हो जाता, 2 करोड़ तो हो जाता। ये सुन मिनिमम मान के चल रहे, डबल हो जाता, जस्ट 5 साल में डबल हो जाता, ये ट्रिपल हो जाता। तो दोस्तों एक चीज सोच के देखो, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। आप इस इंडस्ट्री को जितना अकड़ के रखोगे, जितना पकड़ के रखोगे, जितना इस इंडस्ट्री के साथ आप विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, आपका इंडस्ट्री भी उतना ही आपको आउटपुट देगा, उतना ही आपको रिजल्ट देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा ना हमसे ना नहीं हो पा रहा है। मैं उनको कहता हूं कि आप अपना जड़ को मजबूत करो, आप अपना विश्वास का जड़ को मजबूत करो। आपको आज भी इस इंडस्ट्री के ऊपर में 110% विश्वास नहीं है। हवा का झोंके में कौन सा पैर गिर जाता है? जिस पैर का जड़ कमजोर होता है। ये सुन लो। Yes. जिस पैर का जड़ मजबूत होता है हवा का झोंका उसका एक पत्ता भी हिला नहीं पाएगा। ये सुन लो। Yes. तो वो इंसान नेटवर्क में ज्वाइन किया, लेकिन नेटवर्क में ज्वाइन करने के बाद वो सोचता है कि नेटवर्क में हम क्यों ज्वाइन किए? भाई नेटवर्क में ज्वाइन किए पैसा कमाने के लिए, नंबर वन। नेटवर्क में ज्वाइन किए सपने पूरे करने के लिए, नंबर टू। नेटवर्क में ज्वाइन किए जो मेरा 14 जनरेशन जो नहीं कर पाया मैं उसको करने के लिए हम नेटवर्क को ज्वाइन किया। लेकिन आप नेटवर्क में ज्वाइन करके बड़े चिंतित हो तो नेटवर्क का नाम बदनाम करता है। पहले आज आप अपना जड़ को मजबूत करो। आप अपना जड़ को जितना मजबूत करोगे आपका ऊपर का पैर भी उतना ही मजबूत होगा। हवा आएगा, कुछ भी आएगा, अम्फान आएगा या हरिकेन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हिला नहीं सकता। आज पिछला 15 सालों से बहुत सारा हवा का झोंका हम लोगों को ऊपर से हम लोगों को छू के निकल गया, लेकिन हिला नहीं पाया क्योंकि जड़ बहुत मजबूत है, विश्वास बहुत मजबूत है। आंखों के ऊपर में पट्टी बांध के विश्वास नहीं करते। एक सिस्टम में इनपुट देने का कोशिश किया, हमेशा पॉजिटिव इनपुट, हमेशा पॉजिटिव इनपुट देने का कोशिश किया जिसके लिए पॉजिटिव आउटपुट हमेशा मिला। जिसके लिए आप अपना इस जगह को एक सही व्यक्ति का विकास करो, अपने मन में पॉजिटिविटी का विकास करो, आपका जिंदगी में हर एक चीजों में उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। एक इंसान है आशीष भारद्वाज, ऑडी। आशीष भारद्वाज लास्ट ईयर में उन्होंने ऑडी परचेस किया, ऐसी लिस्ट का ऑडी परचेस किया। आशीष भारद्वाज का कहानी मैं बताता हूं। दिल्ली का रहने वाले है तो दिल्ली में बड़े बड़े हॉल प्रोग्राम्स होते हैं,
तो वो अपना कार लेके आया और प्रोग्राम हॉल के बाहर में वो अपना कार पार्क करके अंदर में घुसे, ट्रेनिंग दिया, प्रेजेंटेशन था, ट्रेनिंग हुआ, फिर बाहर में निकले तो जाके देख रहे वो कार जहां पे रखे थे वो जगह खाली है, कार नहीं है, उनका कार चोरी हो गया। वो गए थाना में, FIR दर्ज करवाया, घर चले गए। शाम को उनका वाइफ को लेके मार्केटिंग के लिए निकलना है, तो वो मार्केटिंग के लिए निकले और बाइक लेके निकले, तो उनका वाइफ बोल रहा है, तो वो आज से करीब नियर अबाउट 8-9 साल पहले का कहानी है, उनका वाइफ बोल रहा है बाइक क्यों, हम लोग मॉल में जा रहे तो गाड़ी लेके जाते, सामान वगैरह कैसे लाएंगे। बोले गाड़ी नहीं है। क्यों, क्या हुआ, गाड़ी सर्विसिंग में दिए क्या? बोले नहीं, किसी का जरूरत था ले गए। किसी का जरूरत था ले गया। सोच पॉजिटिव, क्यों, अगर इस परिस्थिति में अगर मैं नेगेटिव सोच के, अगर उस परिस्थिति में, उनका एक एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग मैंने देखा था वहां पे, बहुत अच्छा लगा। बोले मैं अगर उस समय सोचते मेरा गाड़ी चोरी हो गया, मैं फ्रस्ट्रेशन में रहता, एक हफ्ता दो हफ्ता डिप्रेशन में रहता, लेकिन ये दो हफ्ता में अगर डिप्रेशन में रहता, मेरा गाड़ी चोरी हो गया, तो जिससे मेरा क्या होता, दो हफ्ते में मेरा जितना बिजनेस है ये पूरा बिजनेस खराब हो जाता। लेकिन ये दो हफ्ता मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं था, जिसके लिए 2 महीने के बाद जाके मैंने और एक कार परचेस किया, मित्सुबिशी पजेरो परचेस कर लिया। वो गाड़ी चला गया, मुझे चोर लेके गया, चला गया, क्योंकि दिल्ली का कहानी है, गाड़ी चोरी करके उसका पुर्जा सब खुल देते हैं, पहचानने का कोई जगह ही नहीं थी, क्या है क्या नहीं है, किसका गाड़ी है, जो भी। आज वो इंसान सक्सेस का उस जगह में, उस मुकाम पर पहुंच गया। हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे घटना होते हैं। मैं पॉजिटिविटी सोच से बिजनेस के लिए नहीं, आपका निजी जिंदगी लिए भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम मैं आपको बोल रहा हूं। सॉरी, ये जो पॉजिटिविटी का आदत है, ये जो लत है, ये लत आपको अगर लगेगा तो फायदा ये होगा, चाहिए।